नमस्कार मित्रों मित्रों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जो कि गुणों का खजाना है। इसमें ढेरों सारे पौष्टिक तत्व औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये जटिल से जटिल और गंभीर बीमारियों में बेहद कारगर साबित होती है और इसको करने के लिए आपको एक भी रुपये खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। महंगी महंगी गंदी गंदी केमिकल से भरी हुई दवाइयों को खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी किडनी लीवर और आपके ब्रेन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ये दवा आपके आसपास मिल जाएगी और इसका यदि आप हमारे बताए गए तरीके से सेवन करते हैं तो इससे होने वाले तकरीबन 4-5 फ़ायदों को आप ले पाएंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन ये कुछ बीमारियों में बेहद ही कारगर साबित हुई है। मित्रों हम बात कर रहे हैं पपीते के पत्तों के बारे में। पपीते का फल जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लेकिन जो उसका पत्ता होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही गुणकारी साबित हुई हैं। इसमें कैंसर से लड़ने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है, कैंसर विरोधी तत्व होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और भी बहुत सारी जो गांठें होती हैं ट्यूमर्स होते हैं उनके इलाज में उनको दूर करने के कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करने में उनको बढ़ने से रोकने में पपीते के पत्ते का जो रस होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही ये आपको इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाता है। वायरल फ्लूज इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, संक्रमण वगैरह हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, उन सारी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है जिससे वायरल इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही यदि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनमें ये बेहद कारगर साबित हुआ है। इसमें ऐसे पौष्टिक तत्व और ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे रक्त को विषाक्त होने से रक्त में फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकने से ये बचाता है। साथ ही हमारे रक्त में प्लेटलेट्स के स्तर को बढ़ाता है। कहते हैं कि जब डेंगू हो जाता है चिकनगुनिया हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है जिससे सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारे अन्य लक्षण दिखते हैं इसके। लेकिन यदि आप इसके पत्तों का सेवन करते हैं तो यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स का स्तर बढ़ाता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है ना। तो यदि आप डेंगू और चिकनगुनिया और वायरल बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसका सेवन ज़रूर करें। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पीरियड्स के दौरान यदि महिलाएँ इसका सेवन करती हैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच पपीते के रस का तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे शरीर संतुलन में रहता है, हार्मोन्स को ही संतुलित करता है, साथ ही शरीर से जो बैक्टीरिया वायरस या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में शरीर को डिटॉक्स करने में यह बेहद बेनिफिशियल होता है। तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो लिटरली मानिए इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसका फ़ायदा मैंने खुद लिया है। हफ्ते दिन पहले मेरे को सांस फूल रही थी, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, सीढ़ियों पे चलता था तो सांस फूलने लगती थी, टहलता था तो सांस फूलने लगती थी, मुझे ऐसा लगा कि मच्छर ने काट दिया है जिसकी वजह से मुझे शायद डेंगू और इसकी शिकायत है, शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर गिर गया। तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखे। केवल 2 खुराक से ही मेरा पूरा जो है लिटरली मैं सही हो गया, सांस फूलना बंद हो गई है, थोड़ा एनर्जेटिक रहता हूँ और चीज़ें शरीर हेल्दी रहता है। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पपीते के पत्ते का 1-2 चम्मच 3 चम्मच इसका जो रस होता है अब इसको पी सकते हैं पानी के साथ और उसका पेस्ट आप खा सकते हैं और इससे होने वाले फ़ायदों को ले सकते हैं। इसके बेहद ही गुणकारी रिजल्ट मिले हैं मित्रों, इसका सेवन करिए और इससे होने वाले फ़ायदों को लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।